मीडिया को आजाद करो, मीर शकीर रहमान साहब को रिहा करो, मीर शकीर साहब को रिहा करो, मीडिया को रिहा करो, जियो को जीने दो, जियो को जीने दो। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं योकोहामा में, जापान का बड़ा शहर है, और यहाँ पर मीर शकीर रहमान की रिहाई के लिए बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ है। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, सियासतदान, सोशल सामाजिक तंजीमों के सरबराहान यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम सब बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी मैं तो कहता हूँ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान के अंदर मुशर्रफ़ की रूह आ गई है। जो डिक्टेटर मुशर्रफ़ ने उस वक्त जियो के साथ किया था, आज यही इमरान खान कह रहा है। इसने राना सनाउल्लाह के साथ क्या किया, कान अब्बासी साहब को, एहसन इकबाल साहब को, जितने भी लोग हैं साद रफीक साहब को, आज जो है कि इतने बड़े अदारे को जियो के जो गरीबों की आवाज़ थी, जो आवाम की आवाज़ थी, उसके मालिक को मीर शकीर रहमान साहब को उसने बंद कर दिया। पाकिस्तान में ये जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने किया है कि एक छोटी सी एप्लीकेशन पर नैब से वो उनको उसी टाइम ये कि इतने बड़े इज्जतदार आदमी को पकड़ लेना, और छोटी सी एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन तो इमरान खान के खिलाफ भी हुई है, उनको क्यों नहीं पकड़ा। मेरी मौजूदा हुकूमत से ये अपील है जियो को जीने दें, क्योंकि इनकी वजह से घर घर में ये जो हमारे मुल्क में जो भी हालात होते हैं वो हमारे तक इनकी रसाई है। हमारे मुल्क में जो है वो मीडिया आज़ाद होना चाहिए और मीर शकीरुर रहमान को जो है वो रहा करना चाहिए। बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की जिनका ताल्लुक सियासत और समाजी तंजीमों से है, उन सब की ये हुकूमत से ये अपील है कि फौरी तौर पर मीर शकीरुर रहमान को रिहा करें और जियो को जीने दें और मीडिया को आज़ाद करें। इरफान सिद्दीकी, योकोहामा, जापान।